अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हमारे चैनल फूड जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं यहाँ लेकर आई हूँ आपके लिए अपनी बेस्ट और इजी रेसिपीज़। तो आइए और हमें ज्वाइन कीजिए, सर्च कीजिए मेरा चैनल फूड जंक्शन और कीजिए नई नई रेसिपीज़ को ट्राई। साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। आज हम बनाएंगे ब्रेड चीज़ पुडला। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून दाल का मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। ये मेरा होममेड दाल मसाला है। इसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थोड़ी सी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा गरम कल्ला बारीक कटा हुआ, थोड़े से कॉर्न, इन्हें मैंने बॉईल कर लिया है, थोड़ी सी प्याज बारीक कटी हुई, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, चीज़ क्यूब, ब्रेड स्लाइसेस, बटर ज़रूरत के हिसाब से और पानी। अब सबसे पहले बेसन का घोल तैयार करेंगे। उसके लिए एक बड़े बर्तन में करेंगे बेसन को। इसमें डालेंगे ये मसाले और नमक। इसे मिलाएंगे। अब इसमें डालेंगे पानी और इसका पतला घोल तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया और इसको मिलाएंगे। घोल तैयार है। अब इसे थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख देंगे। अब हम इन सबको मिलाकर इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए स्टफिंग तैयार है। ये देखिए, अब बेसन के घोल को एक बार मिलाएंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए, इसे हमें इतना पतला रखना है। अब एक पैन पर डालेंगे बटर और इसे अच्छे से फैला देंगे। अब ये ब्रेड बेसन के घोल में डिप करके इस पर डाल देंगे। अब इस पर थोड़ा सा बेसन का घोल डालेंगे। इसे हल्की गैस पर थोड़ी देर सिकने देंगे। अब इसे पलट देंगे। पैन पर डालेंगे बटर। और
पैन को थोड़ा सा इस तरह से हिला देंगे। अब इस पर ये तैयार की हुई स्टफिंग लगाएंगे। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा बेसन डालेंगे। अब इस पर डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा बटर और इसे हल्के हाथ से पलट देंगे। इसे हल्की गैस पर थोड़ा सिकने देंगे। अब इसे हल्के हाथ से थोड़ा सा चलाने की कोशिश करेंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छे से सिके। अब इसे पलट देंगे। अब इस पर डालेंगे ये चीज। इसे मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। अब इसमें बीच में हल्का सा कट लगाकर इसे पलट देंगे। अब इसे दबाते हुए थोड़ा सेकेंगे। ऊपर से लगाएंगे हल्का सा बटर। अब इसे पलट कर सेक लेंगे। ऊपर से भी बटर लगा देंगे। अब इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे। ये देखिए गरम गरम ब्रेड चीज पुडला तैयार है। इसे केचप या हरी चटनी के साथ सर्व करें। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।